हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई नो बहुत दिन के बाद मेरा ये थोबरा आप लोगों को दिख रहे हो। लिटरली बहुत दिन के बाद, मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। मुझे हॉलीडे का, हॉलीडे नहीं, जो हमारे यहाँ मुसलमान का ईद होता है, ईद उल अजहा, कुर्बानी का छुट्टी मुझे मिल चुका है। आई थिंक 15 दिन का हम लोगों का छुट्टी है। सो मैं 15 दिन की ब्लॉग करूँगा आप लोगों के लिए, डेली ब्लॉग करूँगा। सो मैं अभी अभी नींद से उठा हूँ और मुझे भी रेडी होना है। आज मेरा प्राइवेट भी है, स्कूल तो मेरा ख़त्म हो गया पर प्राइवेट है मेरा। और मुझे घर के लिए ब्रेकफास्ट भी लेना है, दुकान पे जाना है। सो मैं रेडी होने के लिए मिलता हूँ। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ रेडी होने के बाद सुबह। सो गाइस, मैं रेडी होके आ चुका हूँ। सो मैं आपको आपका मेरा फैशन दिखाता हूँ दिखाता हूँ। दिस इज़ माई फैशन, टू दिस फैशन ट्राउज़र और टी शर्ट और उसके साथ ये मास्क मेरा नाम का। बाहर आई थिंक बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा उस घर के लिए। सो मैं सबसे पहले अपना बैग टेक लेके सीधा निकलूँगा। बारिश हो रहा है ना, मैं खिड़की करना सब बंद कर दूँ। सो उसके बाद मैं मिलते हूँ। सो गाइस, मैंने दरवाज़ा लगा दिया है और सब कुछ भी कर दिया है मैंने। और अब मैं जा रहा हूँ मैं उस घर पे। सो मैं आपको उसी में फोर से उस घर पर जाकर सब। सो ही गाइस, मैं रेडी हूँ, रेडी रेडी हो चुका हूँ। अब बज रहे हैं 10:40 और मेरे पास 20 मिनट है प्राइवेट जाने के लिए। सो मैं अपना स्टैंड भी ले चुका हूँ देखिए इस माई लुक। सो मैं आज सारा दिन ब्लॉग करूँगा आप लोगों के लिए। सो मैं प्राइवेट भी जाऊँगा, सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा बाहर जाकर। सो गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ। आज का मौसम इतना ज़्यादा मस्त मस्त नहीं है क्योंकि आज सुबह सुबह से थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है पर ज़्यादा तो नहीं। सो मैं आज अकेले जा रहा हूँ, रबी भी मेरे साथ नहीं है। सो आने के समय रबी के साथ आऊँगा क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं। सो मैं आज प्राइवेट जाऊँगा या कि नहीं जाऊँगा, सो जा रहा हूँ। और मुझे रिक्शा चाहिए। सो देखेंगे रिक्शा पे उठ के, बहुत दिन के बाद रिक्शे पे बैठ के प्राइवेट पे जाएंगे। आज मेरा बैग इतना ज़्यादा हल्का है ना क्योंकि बहुत दिन के बाद सब कुछ कुछ भी नहीं लिया। सो मैंने सिर्फ एक खाता लिया है और कुछ भी नहीं लिया। सो रिक्शा ले लेता हूँ यहाँ से, रिक्शा चाहिए। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा रिक्शा पे तो सुबह। सो मुझे रिक्शा भी मिल चुका है। सो यहाँ से सीधा प्राइवेट पर जाएंगे। अरे, मैंने बहुत दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है ना। सो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है अपने स्टैंड के साथ ब्लॉग करने में। सो मैं नहीं रिकॉर्ड करके बोल रहा था। सो मैं प्राइवेट के गली पे आ चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि कुछ भी लोग आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि सब लोग यहाँ पर सब लोग हैं। सो मैं ब्लॉग करना रख देता हूँ। सो मैं आप लोगों से मिलता थोड़ी देर। सो गाइस, मैं प्राइवेट पे पहुँच चुका हूँ और मुझे शर्म आ रहा है। सो मैं रख देता हूँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ प्राइवेट ख़त्म होने के बाद। सो गाइस, मेरा प्राइवेट ख़त्म हो चुका है। सो अभी अपने घर चला जाऊँगा। सो यहाँ का एरिया बहुत पसंद है। सो मैं यहाँ से सीधा घर चला जाऊँगा अकेले अकेले क्योंकि मेरे साथ जाने के लिए कोई भी नहीं है। हाय बोलो। बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे भी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। सो तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा कैमरा बंद करो, मुझे ब्लॉक करने दो। और सो मुझे बहुत सो मैं आप लोगों से बैक कैमरा में दिखा रहा हूँ। सो बहुत दिन के बाद स्कूल से जा रहा हूँ। हाय बोलो। सो उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरे सर पीछे है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मैं रिक्शा पे बैठ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। मेरे साथ बादन भी है पर वो कैमरा के सामने आने में इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा है ना, क्या बोलूँ। उसका बहुत एक्सपेंसिव फोन मेरे पास है, आप लोग देखिए। इट्स नॉट फॉर स्पॉन्सर। तो ये भगवत वो अपना मुंह साफ कर रहा है और मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ राबी भी नहीं है और मेरा पास मेरा बजट थोड़ा कम है। सो इसलिए बादल मुझे हेल्प लिफ्ट दे रहा है मुझे घर जाने में। यहाँ पर मुझे ब्लॉक करने का टाइम ही नहीं दे रहा है, इतना बदतमीज लोग यहाँ पर माइक। तो मैं आप लोगों को गोरू बाजार पे भी ले जाऊंगा हमारे यहाँ पर।
इसका मोबाइल मुझे दे दो, मतलब तुम्हारा मोबाइल मुझे दे दो। कैमरा के सामने बोल रहे ले लो, पर कैमरा बंद करने के बाद वो अपने अपने औकात में आ जाएगा, मुझे पता है। बदतमीज लोग की मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर रहा, इतना आवाज आ रहा है ब्लॉग पे। फाइनली थोड़ा बंद हुआ है, अभी भी अभी शुरू हो जाएगा फिर से। यहाँ पर इतना ज्यादा साउंड, मेरा आवाज भी सुनाई भी दे रहा होगा, फिर से चालू हो जाएगा अभी मुझे छोड़ के। तो हम लोग कल फिर से प्राइवेट मिलेंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे 13 दिन के बाद। मैं सबसे पहले घर पे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ घर पे जाके। बादन भाई बोल दो। तुम बादन का भाई जो ब्लॉग देख रहे हो तुम उसको। तो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। आज हमारे घर पे जो आ रहा था पी हमारी काम करने, उनको उन्होंने हमारा सारा काम, मेरा सारा ड्रेसअप धोएगी वो। सो मुझे एक एक करके ड्रेसअप सब निकालना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ घर पे। सो यू गाइस, मैं आके सो गया था घर पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने 1 बजे से लेके 5 बजे तक सोया है, 4 घंटा, और मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मैं ब्रेकफास्ट किया था पर मैंने ब्लॉग नहीं किया। सो अब खाना खा रहा हूँ, उससे मैं दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या खा रहा हूँ। सिंपल खाना ही लिया है मैंने, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं लगा। सो मेरे तो ये है मेरा सिंपल खाना, ये है वेजिटेबल्स, ये है लौकी के साथ चिकन का कलीजा, और ये है चिकन। एक पीस है, थोड़ा सा ही राइस लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगा। सो गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ खाना खाने के बाद। सो मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया, मेरे मुंह पे लगा था। सो मैंने खाना खा लिया। अब मैं जो सारा दिन से जो ब्लॉग किया सो एडिट कर दूंगा, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो डेली ब्लॉग करूंगा। कल से आज से डेली ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। सो मैं जिस तरह भी ब्लॉग एडिट में एडिट कर लेता। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ एडिट करने के बाद सुबह। मैं अपने बहन के घर आ चुका हूँ और मेरा ड्रेसअप फिर से चेंज हो चुका है, आई नो दैट। सो मैंने खाना नहीं खाया, डिनर नहीं खाया, क्योंकि आज मैं खाऊंगा मोमोज। मेरी बहन बोली मुझे मोमोज खिलाएगी, चिकन मोमोज। सो मैं बनाऊंगा, और मैं अपने बहन के घर रह रहा हूँ, क्योंकि वो अकेली है। साबुंती और साबुंती के हस्बैंड चले गए उसके विलेज के हाउस पे। सो मैं अकेला हूँ, मैं देख रहा हूँ पूरी दीदी का ब्लॉग, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सो अब मैं अपने मोबाइल का चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि आईफोन पे इतना ज़्यादा चार्ज ख़राब हो ना। आप लोग मुझे हेल्प करो, मुझे अपना नया फ़ोन ख़रीदना है। इस बात पर मुझे एक लाइक कर दो अपने वीडियो पर। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो जैसे मैं बता रहा था, आज हम मोमोज बनाएंगे। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, आई थिंक 1 घंटा आधा घंटा हो चुका था, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना हमारा। कोई भी विंडो से एक भी हवा नहीं आ रहा। सो हमारा हम लोगों ने अंधेरे में बैठ के मोमोज बना लिया। सो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वेट तो ये है मोमोज। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ खाना खाने के समय सुबह।